नमस्कार साथियों, नवजागृति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको 55 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन देने जा रहा हूँ। डिक्टेशन देने से पहले आपको बता दूँ, इस चैनल के माध्यम से स्टेनोग्राफी के अभ्यास, नई नई डिक्टेशन और टिप्स फॉर सक्सेस बताई जाती हैं। UPSC, SSC, केंद्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा आयोजित की जाने वाली हिंदी स्टेनोग्राफर की परीक्षाओं में निश्चित सफलता ही तो हमारी डिक्टेशन लिखते रहिए। साथियों, ये सब आपको लगातार मिलता रहे, इसके लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, शॉर्टहैंड में किसी भी प्रकार की कठिनाई के संबंध में आप ईमेल या कमेंट द्वारा समाधान ले सकते हैं। मेरा नाम अजय सक्सेना है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं इसे एक पुण्य कार्य मानता हूँ। सरोजनी देवी ने मुझे बताया कि यहाँ इस सप्ताह में 30 सम्मेलन होने वाले हैं और इनमें से बहुत से सम्मेलनों में मुझे सभापति पद ग्रहण करने के लिए कहा गया है। मैंने अपनी व्यवस्था प्रकट कर दी है, क्योंकि मैं अपने को केवल इस स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के योग्य मानता हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम एकता का पक्षपाती जरूर हूँ, परंतु यदि उसमें खद्दर को स्थान नहीं दिया जाएगा तो मैं उसे भी स्वीकार न करूँगा। मैं केवल खद्दर का स्वप्न देखा करता हूँ। मैंने प्रदर्शनी खोलने की जिम्मेदारी उसी समय ली जब जवाहरलाल ने मुझे इस बात का विश्वास दिला दिया कि इस प्रदर्शनी में कोई विदेशी चीज नहीं रखी जाएगी। मैं अपने 5 वर्ष के खद्दर संबंधी अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूँ कि हमने पर्याप्त प्रगति कर ली है। शुरू शुरू में जो लोग खद्दर की टोपियां पहनते थे, लोग उन्हें खद्दरधारी समझ लेते थे, पर अब वह बात नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है जो पूरी तौर पर खद्दर पहनते हैं और दूसरा कपड़ा पहनते ही नहीं हैं। बहुत से लोगों ने खद्दर के प्रति सहानुभूति दिखाई और प्रतिज्ञा भी की
परंतु खद्दर पहनते नहीं, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? लोगों ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं पूरी की, इसीलिए एक वर्ष के अंदर स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सके। आज भी मैं पूरे विश्वास के साथ यकीन दिलाता हूँ कि यदि आप सब देशी और विदेशी मिलों के कपड़ों का पूरा पूरा बहिष्कार कर दें तो एक वर्ष से भी कम समय में हमें स्वराज्य मिल सकता है, उन्होंने अंत में कहा। मैंने तो अपने हस्ताक्षरों का भी मूल्य निर्धारित कर रखा है।